हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज कवर करते हैं इस सेशन में। इस वीडियो में वॉक इन इंटरव्यूज आई हुई हैं। पीजी प्लस नेट कैंडिडेट्स की अगर सिलेक्शन होती है तो फिक्स्ड सैलरी है 30,000 पर मंथ, और अगर प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है तो 22,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड है। मीन्स विदाउट नेट सेट पीएचडी वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और सिलेक्ट होने पर 22,000 रुपये पर मंथ, और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए 30,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। तो चलिए पूरी डिटेल हम कवर करते हैं सेशन में, नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप सैलरी देख लें। इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर दी हुई है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड 30,000 पर मंथ, नॉन नेट क्वालिफाइड 22,000 पर मंथ। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, कौन एलिजिबल है और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वैकेंसीज आई हुई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये पंजाब में है, और अमृतसर गुरुदेव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। हालांकि वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन इसके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 19 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि एप्लीकेशन आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो जरूर डाल सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फी है जो थोड़ी हाई है इन कंपेरिजन टू जो वो ऑफर कर रहे हैं सैलरी, तो इसके हिसाब से फी थोड़ी हाई है। तो इसकी क्वालिफिकेशन पूरी रीड आउट करने के बाद फी भी मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स में वॉक इन इंटरव्यूज कब है। जो वॉक इन इंटरव्यूज हैं वो आर्किटेक्चर में है 28 अगस्त को, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी वॉक इन है। कंप्यूटर साइंस में है वॉक इन, लॉज में है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, और कॉमर्स में भी है यहाँ पर वैकेंसीज और वॉक इन इंटरव्यूज। तो नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये गुरदासपुर में है, जालंधर में है, ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर नहीं किए हुए। तो ये 6-7 डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसीज है, लॉ डिपार्टमेंट में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, आर्किटेक्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस मेडिसिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स साइंस में आप चेक करें कौन, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर वन बाई वन सभी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है वो दी हुई, आप देख सकते हैं। नेट सेट वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर नेट सेट नहीं है पीएचडी की है तो पीएचडी वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि नेट सेट पीएचडी नहीं होगी तो वो पीजी कैंडिडेट्स को भी ले सकते हैं, तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। लेकिन डालने के पहले एप्लीकेशन आप यहां पर पूरी तरह से क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज दी हुई है अच्छी तरीके से वो रीड आउट करें। वजह यह है कि यहाँ पे फी है जो कि थोड़ी सी हाई लग रही है मुझे, क्योंकि सैलरी के हिसाब से फी इन्होंने जो डिमांड की है वो थोड़ी तो पहले देख लेते हैं फी कितनी चार्ज की है। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए इंक्लूडिंग जनरल 1180 रुपीज है वन सब्जेक्ट के लिए अगर एप्लीकेशन डालनी है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 590 रुपीज है। सी में एसटी एससी पीडब्ल्यूडी मोर देन वन सब्जेक्ट अगर आपको करनी है तो मेनली वन सब्जेक्ट की अगर हम देखें तो 1180 है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 590 रुपीज है। और इसके लिए एप्लीकेशन जो डालनी है, प्लीज कीप द फॉलोइंग डिटेल्स रेडी विद यू बिफोर क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन फॉर स्टार्टिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे फिर से बता दूं कि आप एप्लीकेशन किसी भी स्टेट से हैं बिलोंग डाल सकते हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है फिक्स डेट दी हुई है 28 अगस्त को ही सारी होनी है वॉक इन इंटरव्यूज। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि किसी भी कंडीशन में ये फी रिफंड नहीं करेंगे। मींस अगर आपने फी डाली और आप नहीं अवेलेबल हुए इंटरव्यू के लिए, या शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है, या आप इंटरव्यू नहीं जा पाते, तो वो फी रिफंड नहीं होगी, वो फी आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स हैं, पंजाब के हैं, जालंधर के हैं, गुरदासपुर के हैं, अमृतसर के हैं, वो लोग ही यहाँ पर एप्लीकेशन डालें। उसके बाद फिर सैलरी की बात हमने की, किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी है वो एक बार देख लेते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप देखिए करियर सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे सबसे पहली जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्किटेक्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एंड इट्स रीजनल कैंपसेस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2020-21। ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, सिर्फ 1 ईयर के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन 19 अगस्त 2020। 19 तारीख को शुरू हुई, मतलब आज ही शुरू हुई, क्लोज ऑन 26 अगस्त 2020। मीन्स वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाने के पहले रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पर है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, तो ये क्लिक करते वो पीडीएफ ओपन हो रही है जिससे मैं आपको अभी रीड आउट करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। वॉक इन के पहले जो एप्लीकेशन डालनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये लिंक एक बार क्लिक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ओपन होती है। ये लिंक इस तरह से क्लिक करने से ऐसी ओपन होती है और यहाँ पर फिर कुछ है तो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ये ओपन करके जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो इसको देख सकते हैं। चलिए अभी हम और उसमें से थोड़ी चीजें जान लें कि और क्या एप्लीकेशन किस तरीके से डालनी है एटसेट्रा। यहाँ पर एक चीज मेंशन की है कि STSC PWD कैंडिडेट्स हु आर नॉट डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब आप पंजाब स्टेट के नहीं रहने वाले हैं तो उनको जो 590 रुपीज है वो नहीं देनी होगी, 1180 ही देनी होगी। मीन्स आप अगर STSC PWD बाहर, पंजाब के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के जितने ही फी पेमेंट करनी होगी। तो ये खास बात है, इसका मतलब है कि आउटसाइड पंजाब भी लोग एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स आपने देख लिए, इसके बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 1 by 1 सभी सब्जेक्ट्स की दी हुई है। जिस सब्जेक्ट में नेट सेट PhD नहीं होती है उनको 30,000 रुपीज ही दी जाएंगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में नेट सेट या PhD होती ही नहीं है तो उन्हें सैलरी उसी हिसाब से दी जाएंगी, 30,000 रुपीज फिक्स दी जाएंगी। अभी ए कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर ओनली वंस बाय फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म इवन इफ ही और शी विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट और डिपार्टमेंट। आप एक से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो एक ही बार आपको भरनी है। इसके बाद जो प्लीज कीप द फॉलोइंग डिटेल रेडी विद यू क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन फॉर स्टार्टिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। पर्सनल डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, रिजर्वेशन कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन टिल नाउ, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ स्कैन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये सारी चीजें लेके आप बैठे अपने साथ में और फिर एप्लीकेशन डालें। बाकी की चीजें डिटेल इस PDF में दी हुई है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसकी लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करें, थॉरली रीड करें और अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस हैं, फी है, विच इज नॉन रिफंडेबल। थैंक यू वेरी मच।